लिंग रिंग क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या लोग इसे यूज करते हैं, ये यूज करना कितना फायदेमंद रहता है। लिंग रिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये मर्द के काम की चीज है, क्योंकि लिंग में पहने जाने वाली रिंग, फीमेल के पास तो लिंग होता ही नहीं है ना, उनके पास तो फिंगर होती है, वो तो फिंगर में रिंग पहनती है। लेकिन जो मेल रिंग पहनते हैं अपने पीनस में, इसका क्या रोल होता है, क्या प्लेजर बढ़ाने के लिए इसे पहनते हैं वो, या कोई और कारण होता है, इसी के बारे में चर्चा रहेगी, वीडियो में बने रहिए। कोई मेल स्टिमुलेट होता है, वो सेक्सुअली अराउज होता है, तो उसके पीनस में इरेक्शन पैदा होता है और जो उसका लिंग है वो तन के खड़ा हो जाता है। और ये किस वजह से हो पाता है, क्योंकि उसके पीनस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तनाव को लंबे टाइम तक बनाए रखने के लिए कुछ लोग इस रिंग का उपयोग करते हैं अपने लिंग में, वो रिंग पहनते हैं। एक बार जब पीनस तन के खड़ा हो जाता है, फिर उस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए वो उस रिंग को उस पीनस में पहनते हैं, उसके बेस पे से रिंग के खड़ा हो जाता है तो वो इस रिंग को यहाँ पर पहनते हैं, जिससे जो ब्लड फ्लो है वो यही रुक जाता है, ब्लड दोबारा वापिस नहीं जाता जब तक वो रिंग उतार ना दे, जिसके वजह से वो लंबा टाइम तक बेड पर टिक पाते हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इसका ज्यादा लंबे टाइम तक उपयोग करना ठीक नहीं, अगर आप इसके एडिक्टेड हो गए तो ये दिक्कत कर सकता है। कौन लोग इसे यूज करते हैं और इसके फायदे क्या है? वो लोग जिन्हें ईडी की शिकायत रहती है, इरेक्शन जो है वो हार्ड नहीं रहता, और अगर एक बार खड़ा हो जाए तो वो लुंज पुंज सा रहता है, इरेक्शन आता जाता रहता है, तो वो लोग बेड पर लंबा टिकने के लिए, इरेक्शन को देर तक बनाए रखने के लिए रिंग का यूज करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना प्री मेच्योर इजेकुलेशन की शिकायत है, ना ईडी की शिकायत है, लेकिन वो अपने प्लेजर को लंबे टाइम तक बढ़ाने के लिए इस रिंग का यूज करते हैं कि इरेक्शन हार्ड रहेगा और लंबे टाइम तक रहेगा। अब किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज पूछी थी, क्या इस रिंग का यूज करना सही है अगर पीनस पर हम इसे लगाएं तो अपने इरेक्शन को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए? तो देखो, करने वाले तो तब भी यूज करते थे, लेकिन रिंग की जगह वो रबड़ बैंड यूज करते थे। जब ये रिंग अवेलेबल नहीं थी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इस तरह से पता नहीं था लोगों को, तो वो रबड़ बैंड जो नीले लाल पीले जो बालों में बांधने वाले रबड़ बैंड होते हैं, उससे अपने पीनस को इरेक्ट जब वो हो जाता था, जैसे इरेक्टेड पीनस है, इरेक्ट हो चुका है, रबड़ से इसको बांध लिया करते थे, जिससे जो ब्लड है वो वापिस ना जाए और पीनस इरेक्टेड रहे, तनाव बना रहे। तो करने वालों ने तो ऐसा भी किया है। अब ये रिंग सिस्टम आ चुका है, तब आप जब इसका सिलेक्शन करें तो वो आपके पीनस के साइज की हो, ऐसा ना हो कि आपने पीनस के साइज से छोटे साइज की रिंग अटका ली, या आपके जो साइज है पीनस का उससे बड़े साइज की रिंग ले ली, फिर तो दोनों सूरतों में कंफर्टेबल नहीं है ना चीज। छोटी हुई तो वो निकलने में दिक्कत करेगी, अनकंफर्टेबल रहेगा, सेक्स भी आप जब इनआउट करोगे तो वो अनकंफर्टेबल रहेगा, आपको पेन भी हो सकता है, आपके यहाँ दिक्कत भी आ सकती है, नर्व्स भी डैमेज हो सकती है, कोई ना कोई आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो जरूरी है कि आप जब भी इसका सिलेक्शन करें कि आपको किस तरह की रिंग यूज करनी है, तो आपके साइज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और अगर बाय चांस आपको लगे कि असुविधाजनक हो रहा है तो तभी उतार दो, रिस्क मत लो, तभी उतार दो। चीजें तो देखो मार्केट में आती हैं आपके यूज के लिए, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो यूज करने के बाद ही पता लगता है कि आपके मतलब की है या नहीं, क्या पता आपके मतलब की ना हो लेकिन किसी और को समझ आ रही हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आप इसे यूज करने का सोच ही रहे हो तो इसके हैबिचुअल ना बने, इसके आदि ना बने, ऐसा ना हो कि इसके बिना आपके पीनस में इरेक्शन रहता ही नहीं है, राइट? जैसे कहा जाता है ना कि व्याग्रा के आदि ना बने, कभी ले ली, कभी मन किया हाँ आज करना है, इस तरीके से नहीं, व्याग्रा खा के ही करना है, आज थोड़ा हार्ड तरीके से करना है, थोड़ा स्ट्रांग वे में करना है, लंबे टाइम तक करना है, तो व्याग्रा खा ली, लेकिन उसका हैबिचुअल बनने से डॉक्टर भी मना ही करेगा। सेम इसी तरह से अगर आप इस तरह की रिंग का यूज करना चाहते हो तो इसके आदि ना बने। लोगों के अपने अपने तरीके, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से वो इसे यूज करते हैं। कुछ लोग अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इसे यूज करते हैं, इरेक्शन विरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, अपने सेल्फ प्लेजर को बढ़ाना है, तो वो इसे यूज कर रहे हैं। आदि मत बनिए, तरीका चाहे आपका कोई भी हो, आपका पर्पस कोई भी हो, इसे यूज करने का आदि मत बनिए, बस इतना ध्यान रखिए। तो है, तो आज मैंने आपको लिंग और रिंग दोनों की इन्फॉर्मेशन दे दी। कैसा लगा ये वीडियो आपको, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। चलिए बाय।